शुरुआत कर लेते हैं जो वाराणसी से मिल रही है। बूथ संख्या 29 पर गहमा गहमी का माहौल देखा गया है। मतदान कर्मी पर मेयर विफर गए हैं, मतदान कर्मी पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाया है, पार्टी का नुकसान कराने की भी बात कही है। मेयर ने डीएम से मतदान कर्मी से की शिकायत भी की और शिकायत के बाद में सेक्टर मजिस्ट्रेट मौके पर पहुंचे हुए हैं। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां मेयर ने कई सारे आरोप लगाए हैं पार्टी को नुकसान पहुंचाने का भी, और बनारस की बूथ संख्या 29 का ये पूरा मामला है जहां गहमा गहमी की तस्वीरें सामने आई और मतदान कर्मी पर मेयर ने कई सारे आरोप लगाए हैं। उपेंद्र जुड़ गए हैं संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ में। उपेंद्र, क्या है ये पूरा मामला, विस्तार से बताइए। देखिए, पूरा मामला सिंचाई विभाग कॉलोनी के जो मतदान स्थल है वहां का है, वहां के बूथ नंबर 29 का मामला है जहां पर खुद वाराणसी के मेयर अशोक तिवारी और उनके परिवार का भी वोट था। जब वहां अशोक तिवारी अपने परिवार के साथ पहुंचे तो बताया जा रहा है कि वहां पर बहुत लंबी लंबी कतार थी जिसके लोगों के मेयर से शिकायत थी कि यहाँ मतदान बहुत धीमा हो रहा है। इस पर मेयर ने वहां पर जो मतदान कर्मी थे उनसे बात की तो एक महिला मतदान कर्मी से उन्होंने बात की तो उनका आरोप था कि महिला मतदान कर्मी ने दुर्व्यवहार किया, नुकसान करने की भी बात कही जिसके बाद मेयर विफर गए। उन्होंने फिर इसकी शिकायत सीडीओ से भी की और डीएम से भी की जिसके बाद सीडीओ ने आश्वासन दिया कि इसको देख तुरंत इसको ठीक कराया जाता है। उसके बाद प्रशासन के आदेश पर वहां पर सेक्टर मजिस्ट्रेट पहुंचते हैं और वो मतदान कर्मी से बात करते हैं, मेयर से बात करते हैं, मेयर उस वक्त वहीं मौजूद रहते हैं और उन्होंने कहा कि इसको तुरंत ठीक कराया जाता है और तेजी से तेजी मतदान कराया जाता है। तो मतदान धीमे होने को लेकर मेयर को शिकायत मिली थी जिसके कारण मेयर ने उनसे बात की और तब ये मामला थोड़ा गहमा गहमी का हो गया। फिलहाल अब वहाँ पे मेयर वहाँ से चले गए हैं और वहाँ सेक्टर मजिस्ट्रेट पहुँचने के बाद मतदान सुचारू रूप से जैसे चल रहा है वैसे ही चल रहा है और वहाँ पर फिलहाल किसी तरीके यानी कि हालात अब सामान्य हो गए हैं और सामान्य ही वोटिंग हो रही है। जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया उपेंद्र आपका। और न्यूज 18 से बातचीत में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा है कि विपक्ष का सफाया होगा, इंडिया गठबंधन को यूपी में 0 सीट मिलेगी। और क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। मतदान लगातार जारी है, हम बात करेंगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी से। सर, सातवें चरण का मतदान जारी है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, हमने लगभग सभी जिलों में बात किया है, जहां जहां अंतिम चरण के मतदान हो रहे हैं बहुत उत्साह है मतदाताओं में। सभी लोग विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए मतदान कर रहे हैं प्रचंड बहुमत के साथ। भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल खिले, इस प्रकार का मतलब मन लोगों ने बना रखा है। सर, लेकिन ये जो इंडी गठबंधन है ये लगातार कह रहा है कि 4 जून के बाद भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर होगी, इंडी गठबंधन सरकार बनाएगा। ये सब डिरेल्ड हैं और इनके पास कोई नीति एजेंडा नहीं है। 4 जून को 11 बजे ही ये सब अपना अपना मोबाइल बंद करके अब छुट्टी मनाने चले जाएंगे। ये राजनीतिक पर्यटन पर थे, 5 साल तो जनता के बीच में इनको जाना होता नहीं है और केवल ये चुनाव के बीच में ही दिखते हैं। ये ऐसे लोग हैं जो स्थायी तौर पर जनता ने इन्हें नकार दिया है। 14 से लेकर 22 तक जितने चुनाव हुए लोकसभा विधानसभा के, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने लगातार अपने वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी हासिल की है और जनता का भरोसा जीता है। माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाएं जन जन तक पहुंची हैं। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था नंबर 1 पर है। लोगों का मानना है कि बीजेपी ही देश में सबसे अच्छा राज, सबसे अच्छा शासन दे सकती है। सर, ये अखिलेश यादव जी ट्वीट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि किसी भी एग्जिट पोल पे भरोसा मत करना, ये सब गलत होंगे। इसका मतलब उन्होंने हार पहले ही स्वीकार कर ली है। इंडी गठबंधन को पता है कि धरातल पर उनके पास जमीन नहीं है, जमीन खिसक चुकी है, इसलिए पहले से ही वो इस प्रकार की भूमिका बना रहे हैं। और आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन 400 पार करेगा। सर, अंतिम सवाल है, सातवें चरण में भारतीय जनता पार्टी को आप कहां पाते हैं, आज मतदान हो रहा है? देखिए, हम प्रदेश की 80 कैसी लोकसभा सीट जीत रहे हैं, विपक्ष का पूरी तरह से सफाया होगा, एनडीए गठबंधन को 0 सीट उत्तर प्रदेश में मिलेगी। तो ये थे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी, इनका सीधे तौर पर कहना है कि इंडी गठबंधन को 0 सीट मिलेगी और हम 80 की 80 सीटें उत्तर प्रदेश में जीत रहे हैं। कैमरा मैन शरद तिवारी के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज 18 लखनऊ। और गोरखपुर से बीजेपी उम्मीदवार रवि किशन ने पीएम के मेडिटेशन पर सवाल उठाने को लेकर विपक्ष पर प्रहार किया। उन्होंने विपक्ष को भूत पिशाच भी बताया और कहा कि राक्षसी ताकतों को ही
भगवा से डर लगता है, और क्या कुछ कहा था उन्होंने वो भी सुनिए। रोना नहीं पड़ता, अगर कुछ किए होते 5 साल में तो फिर रोने की नौबत नहीं आती। आदमी रोता होता है, सब काम करोगे तो आपको रोना नहीं, जब आप काम करोगे तो आपको रोना नहीं है। निषाद के नाम पर आप उन भोली जनता को कब तक बेवकूफ बनाओगे? आगे चंदा लूटना, फिर 5 साल गायब हो जाना, हर बार चुनाव। हाँ, देखा थे लेला तो वही प्रधानमंत्री ध्यान में बैठे हुए हैं, विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है, कांग्रेस लगातार अटैकिंग कर रही है। देखिए, भूत प्रेत पिशाच होता है, जैसे आप ही के शरीर में भूत होगा, आत्मा होगी, तो आप हमारा भगवा या रुद्राक्ष देख के छटपटाने लगोगे, क्योंकि आपके अंदर एक पिशाच होगा। विपक्षियों में भूत प्रेत पिशाच है, उनमें आत्माएं हैं, गंदी आत्माएं हैं, उनको अपना इलाज करवाना चाहिए, या तो मोदी जी के पद चिन्हों में आना चाहिए, या मोदी जी जहां गए साधना में वहां उनको बैठना चाहिए। सब ये सब भूत, इनके अंदर आत्माएं होती हैं, जो जैसे भगवा दिखा दे तो आत्मा लोग नाचे लगन। वाराणसी से कांग्रेस प्रत्याशी अजय राय ने प्रधानमंत्री मोदी के ध्यान पर सवाल उठाए, जिस पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पलटवार किया है। वही तो मैं कह रहा हूँ कि माँ गंगा ने बुलाया, माँ गंगा का पुत्र होता तो माँ गंगा अपनी माँ के सामने बैठेगा, आराधना करेगा ना। मैं तो नहीं कहूंगा कि माँ के अपनी माँ गंगा के सामने आराधना करते, समुद्र के तट पर जाकर आराधना कर रहे हैं, आप खुद समझ सकते हैं। अन्य संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर आरोप लगाते हो, सच ये है कि जनता किसके साथ है वो तो देश जानता है। तो आपने सुना, अजय राय को भी आपने सुना और साथ ही केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को भी आपने सुना। एक तरफ हम आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर लगातार मतदान जारी है, सुबह से ही वोटिंग शुरू हो चुकी है, और अब ये तस्वीरें आप देखिए। पहली तस्वीर जब रवि किशन शुक्ला वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे, गोरखपुर से सांसद हैं और साथ ही एक बार फिर से चुनावी मैदान में हैं बीजेपी की टिकट पर। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं अनुप्रिया पटेल, और साथ ही तीसरी तस्वीर में आप देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में पहुंचे थे मतदान करने के लिए, और साथ ही ओपी राजभर की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। साथ ही बनारस की तस्वीर आप देखिए जहां पर कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट अजय राय वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे, और साथ ही उन्होंने अपनी जीत का दावा भी किया और प्रधानमंत्री के मेडिटेशन को लेकर सवाल भी उठाए। अनिल राजभर की तस्वीरें भी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। अफजाल अंसारी वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे, लेकिन मुश्किलें इस बार अफजाल अंसारी की भी काफी ज्यादा बढ़ी हुई हैं। पंकज चौधरी की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, और साथ ही आप सुप्रिया श्रीनेत को भी देख पा रहे हैं जो कि वोट कास्ट करने के लिए पहुंची थी, और साथ ही उन्होंने कांग्रेस की जीत का दावा भी किया। अब ये कुछ और तस्वीरें भी आप देखिए। पहली तस्वीर है हमीरपुर से जहां पर अनुराग ठाकुर मतदान करने के लिए पहुंचे, ये आखिरी चरण के दिग्गजों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हमीरपुर से अनुराग ठाकुर चुनावी मैदान में हैं, अनुप्रिया पटेल की तस्वीर। पटना साहिब से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं रविशंकर प्रसाद की, अभिषेक बैनर्जी, और उसके बाद में जलंधर से भी तस्वीरें आप देखिए, चरणजीत सिंह चन्नी और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, और मंडी से कंगना रनौत, और दुमका से तस्वीर है सीता सोरेन, महेंद्रनाथ पांडे चंदोली से, और पाटलिपुत्र की भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं रामकृपाल यादव, परनीत कौर, और साथ ही भटिंडा की ये तस्वीरें भी आप देखिए जहां पर हरसिमरत कौर जो कि सांसद भी रही, और उसके बाद में हंसराज हंस, रवि किशन, अफजाल अंसारी और आरा पाटलिपुत्र चंडीगढ़, और साथ ही निशिकांत दुबे की ये तस्वीरें आपके सामने। ये आपको दिग्गज दिखा रहे हैं आज की वीवीआईपी सीटों के। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हालांकि इस वक्त वो ध्यान में लीन है, लेकिन आज उनकी सीट पर भी मतदान हो रहा है। बनारस में आज आखिरी चरण में वोटिंग हो रही है, और बनारस अपने आप में बेहद खास सीट है और सभी की निगाहें आज बनारस पर भी टिकी हुई हैं कि कितने फीसदी यहां पर मतदान होता है, क्योंकि तमाम बड़े दिग्गज पहुंचे थे प्रचार करने के लिए। और साथ ही दो सहयोगी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, घोसी से अभिषेक राय हमारे साथ में जुड़ गए हैं, और साथ ही गोरखपुर से राम गोपाल जुड़ गए हैं। राम गोपाल, सबसे पहले आप ही के पास पे आऊंगी। बाबा का शहर इसे कहा जाता है, और लोगों में उत्साह बेहद ज्यादा रहा, सुबह की तस्वीरें भी हमने देखी।
अब क्योंकि धूप काफी ज्यादा हो गई है, टेम्परेचर भी धीरे धीरे करके बढ़ने लगा है, अब कैसी तस्वीरें सामने आ रही, क्या अब भी लोगों में उत्साह है? बिल्कुल, मुख्यमंत्री का शहर होने के कारण अभी भी मतदाताओं में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। इस वक्त मैं पादरी बाजार के एक मतदान केंद्र पर खड़ा हूँ और यहाँ पे कई बूथ बनाए गए हैं। एक बूथ की मैं आपको लाइन दिखाऊँ कि क्या है इस समय। इस समय टेंट की व्यवस्था तो की गई थी इस बूथ पे, लेकिन जो दूसरा बूथ है वहाँ पे टेंट की व्यवस्था नहीं है। तो लोग जो स्कूल की बाउंड्री थी, स्कूल का जो बरामदा है, वहाँ पे लोग देखिए खड़े हुए हैं और खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। 11:15 बजे का वक्त है और जो गर्मी है वो बिल्कुल प्रचंड गर्मी पड़ रही है, लेकिन जो ये लोकतंत्र के सजग प्रहरी के रूप में ये लोग अपने मताधिकार का यहाँ पे प्रयोग करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और सिर्फ यहाँ ये लाइनें तो दिखाई पड़ रही हैं, बाहर से जो लोग आ रहे हैं वो कंटिन्यू अभी उनके आने का सिलसिला यहाँ पे जारी है। अभी ये उम्मीद जताई जा रही है कि करीब 11 बजे तक 26 से 27% मतदान होने की गोरखपुर सदर में उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि बांसगांव लोकसभा में थोड़ी मतदान गोपाल, अगर संभव हो सके तो जरा इनसे इनसे जानने की कोशिश कीजिए कि क्या मुद्दे हैं गोरखपुर की जनता के। बिल्कुल बिल्कुल, इन्हीं से बात करते हैं। अच्छा, वोट देने आए थे? दे लिया? अभी नहीं। क्या मुद्दे हैं? मुद्दे क्या है, बस बेरोजगारी ज्यादा है। मुद्दे क्या है मैम? क्या मुद्दे हैं भाई, मुद्दे क्या है? मुद्दे मतलब वोट किन मुद्दों पे दे रहे हो? मुद्दे मतलब वोट देने आए हैं। वोट देने आए हैं, किन मुद्दों पे वोट दे रहे हो? अब भाई साहब बताएंगे। बेरोजगारी और महंगाई। बेरोजगारी और महंगाई है, डेवलपमेंट भी है कोई मुद्दा? अब जो बताएं वही सर, विकास। विकास है तो यहाँ जो मतदाता है, बेरोजगारी महंगाई तो है ही, डेवलपमेंट भी एक मुद्दा है और उस पे हम अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन जो लाइनें हैं आप देखिए कि लगातार लोग आ रहे हैं और खास करके महिलाएं वो भी बड़ी संख्या में आ रही हैं, अपनी अपनी आने के बाद अपनी पर्ची का यहाँ पे सत्यापन करा रही हैं कि उनका किस बूथ पे। ठीक है रामगोपाल, आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे आगे भी लेते रहेंगे। अब चलिए घोसी आपको लेकर चलते हैं, जहां से अभिषेक राय हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अभिषेक, तस्वीरें आप दिखाइए घोसी से, कैसी तस्वीरें? जूनियर हाई स्कूल पे मौजूद हैं और कहा जा रहा है कि वोट जो विकास नहीं हुए हैं और अंडर पास को लेकर यहाँ के लोगों ने बहिष्कार कर दिया है। करीब 2 गांव के लोगों ने भी बहिष्कार किया है। पिपरीडीर और बहार के लोग हैं जो मतदान करने भी नहीं पहुंच रहे हैं। 1 मतदान केवल हुआ है अब तक और वो भी प्रशासन ने करवाए हैं, क्योंकि उनका कहना है कि काफी लंबे समय से उनकी मांग रही है कि अंडर पास नहीं बन रहा है और बना भी था तो उसको तोड़ दिया गया प्रशासन की तरफ से, जिसमें काफी प्रशासन के लोग भी लगे हैं उनको मनाने के लिए और लेकिन गांव वाले वहां पे आने को तैयार हैं। लेकिन मऊ की बात करें तो जहां राजभर की दाव प्रतीक्षा दाव पर लगी है, जहां राजभर के बेटे अरविंद राजभर मैदान में है और NDA के प्रत्याशी के रूप में घोसी में चुनाव लड़े हैं, लेकिन वहीं से समाजवादी पार्टी से राजीव राय हैं जो अखिलेश यादव के बहुत करीबी माने जाते हैं, वो मैदान में लड़े। लेकिन उससे पहले एक बालकी चौहान है जो 2009 में भी यहाँ से सांसद रहे हैं और उनको भी BSP उन पर दाव लगा। अभिषेक, बहुत संक्षिप्त में बता दीजिए, जनता का गुस्सा क्यों है, क्या सरकार को लेकर ये गुस्सा है जिसके चलते मतदान नहीं कर रहे? जी बिल्कुल, देखिए जो सरकार है उनसे लगातार उनसे कई महीनों से धरने पर बैठे थे, उनकी मांग थी गांव वालों की, पिपरी डीटा या गाँव की, और उनका अंडर पास बनाया जाए और नहीं बन रहा है, इसको लेकर गांव वाले बहिष्कार कर दिए और गांव के बाहर ही मतदान के दूरी पर बैठे हुए हैं और उनको अधिकारी मनाने में लगे हुए हैं। तो अभी तक लोग यहाँ पर मतदान करने नहीं पहुंच रहे हैं। घोसी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, अब कुछ खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। नेहा यादव जी हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी से, बहुत स्वागत है नेहा जी आपका। और साथ ही ज्ञानेश श्रीवास्तव जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। ज्ञानेश जी आपका भी बहुत स्वागत है। शुरुआत में आप ही के साथ में करूंगी, इस बार गठबंधन की बात करें तो कई सारे बदलाव हमने देखने को मिले हैं। अलायंस में एक तरफ चेंजेस हुए, दूसरी तरफ BJP ने अपनी पूरी कोशिश की है ताकि पूर्वांचल को साधा जा सके, पूर्वांचल एक बहुत बड़ी चुनौती है। तीसरी तरफ अगर हम बसपा की बात करें तो जातिगत समीकरण को भी पूरी तरह से साधने की कोशिश की है बसपा ने, क्योंकि यहां पर जातिगत समीकरण भी हम देखते हैं बहुत ज्यादा हावी रहता है। अब ऐसे में आपका आकलन क्या कहता है, आखिरी चरण में कौन सी पार्टी को फायदा हो सकता है? देखिए ये कहना बहुत मुश्किल है कि किस पार्टी को फायदा होगा किस पार्टी को नहीं, लेकिन जो एक अनुमान है आकलन है कि इस बार
बहुत इलाकों में, जैसे आपने कहा घोसी के बारे में जो अरविंद राजभर हैं, तो कैंडिडेट के अपने बलबूते पर भी उनसे भी नाराजगी है, तो वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जब चूंकि चुनाव में जब लहर नहीं होती है ना, जैसे आपको याद होगा 2014-2019 उसमें मोदी लहर थी, इस बार ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं है। ये नहीं कह सकते हैं कि किसी एक पार्टी या एक नेता का लहर है। ऐसे में उस इलाके में कैंडिडेट का अपना पर्सनल करैक्टर क्या रहा है, उसके प्रति लोगों की नाराजगी है या लोग खुश हैं, वो भी एक बहुत बड़ा मायने रखता है। और जो पूर्वांचल का जो पूरा इलाका है, ये बहुत सेंसिटिव इलाका है और यहाँ के वोटर्स जो हैं बहुत जागरूक हैं। तभी तो आपको याद होगा कि जैसे मनोज सिन्हा जी हार गए थे 2019 में, सिटिंग मंत्री थे। घोसी में उपचुनाव हुआ तो दारा सिंह चौहान हार गए। तो आप समझिए कि ये इलाका बहुत सेंसिटिव है, यहाँ के वोटर बहुत जागरूक हैं, किसको वोट देना है किसको नहीं देना है उनको पता है, इसलिए वहां पर आप पता नहीं कर सकते हैं कि किसको वोट मिलने वाला है। लेकिन सर इस बार साइलेंट वोटर काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। जब लोगों से भी पूर्वांचल के लोगों से बातचीत करने की कोशिश की गई तो या तो वो खुलकर अपनी बात नहीं रख रहे हैं या तो मिले जुले रिएक्शन सामने आ रहे हैं। अब ऐसे में कंफ्यूजन और ज्यादा बढ़ जाती है कि लोगों के मन में क्या क्या लगता है ये साइलेंट वोटर किस तरफ जा सकता है। नहीं, साइलेंट वोटर का मतलब होता है जागरूक वोटर, है ना, वो आपको बताएगा नहीं, अगर आप पूछेंगे तो कुछ और बताएगा। तो साइलेंट वोटर नहीं करेंगे इसको, इसको कहते हैं जागरूक वोटर। और जो इलाका है ना पूर्वांचल का, जो भी इलाका है, चाहे बिहार आप चले जाइए, उसके आगे आप बंगाल चले जाइए, तो वहाँ के वोटर इस मामले में बहुत आगे हैं। यानी कि आप जाति समीकरण तो होता ही है, धर्म भी होता है, क्षेत्र भी होता है, सब कुछ होता है, लेकिन साइलेंट वोटर जागरूक वोटर कहलाता है। ठीक है नेहा जी, मैं आपके पास में आऊंगी। अब 4 तारीख बेहद करीब है और आज आखिरी चरण का मतदान है, कितनी उम्मीदें हैं समाजवादी पार्टी को? देखिए इस बार इंडिया गठबंधन की लहर चल रही है और इंडिया गठबंधन जो पूर्वांचल की 13 सीटों पे आज मतदान हो रहा है, इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की इन सभी सीटों पे जमानत जब्त होने जा रही है। अभी आपने लाइव प्रोग्राम में ही दिखाया, गोरखपुर और घोसी की जनता से आपने पूछा कि किन मुद्दों पे आप वोट करने जा रहे हैं, जनता ने साफ बताया कि महंगाई और बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है। तो ये आप साफ देख लीजिए कि जनता ने मन बना लिया है कि जिन्होंने झूठे वादे और वादा खिलाफी की है उनको हटाने जा रहे हैं और महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ वोट डालने जा रहे हैं। इस बार इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को जनता स्वयं जिता रही है, इसलिए इंडिया गठबंधन की लहर चल रही है। प्रधानमंत्री जी ने 2014 में बड़े बड़े वादे किए थे, कोई वादा पूरा नहीं कर पाए और जब जवाब देने की बारी आई तो जाकर के कन्याकुमारी बैठ गए। आज माँ गंगा नेहा जी, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी क्षेत्र में और अग्निवीर योजना की बात कर ले, ये सारे ऐसे मुद्दे हैं जो विपक्षी पार्टियां बहुत पहले से उठाती रही हैं, लेकिन जब परिणाम आते हैं तो वो कुछ और ही फिर इशारा करते हैं कि ये जो मैजिक था आपका इन मुद्दों का वो चला नहीं। देखिए झूठ और जुमलों की एक सीमा होती है, जनता बहुत अच्छे से समझ चुकी है कि ये जुमले वाले लोग हैं, इन्होंने जो जनता के साथ वादा खिलाफी की है। देखिए जनता, लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि है, जनता सर पे बैठाई थी इनको, अब जनता ही इनको लात मार के निकालने जा रही है। प्रधानमंत्री ने तो वैसे ही कहा था। अच्छा गोरखपुर और बनारस से कितनी उम्मीद है? कोई ऐसी नेहा जी, गोरखपुर और बनारस से कितनी उम्मीद है? आपने अभी लाइव प्रोग्राम के माध्यम से ही बता दिया कि गोरखपुर हम जीतने जा रहे हैं। जनता महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ वोटों की लाइन में लगी हुई है और सब इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी काजल निषाद जी वहां ऐतिहासिक मतों से जीतने जा रहे हैं। ठीक है, मैं लौट रही हूँ आपके पास में, गोरखपुर ही चलते हैं, वहां से ग्राउंड जीरो से हमारे साथ में हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। रामगोपाल, तस्वीरें आप दिखाइए, लोगों से बातचीत करने की कोशिश कीजिए कि क्या मुद्दे हैं जिस पर वो लोग मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं आज। वोट देने नहीं, वोट देने के लिए यहाँ पे आए हैं। मैं वोट दे दिया कि अभी देना है। तो क्या मुद्दे हैं इस बार वोट देने को लेकर, मतलब क्या सोच क्या है वोट देंगे? डेवलपमेंट हुआ है, महिला सुरक्षा हुआ, या महंगाई है, या बेरोजगारी, या क्या दिमाग में था? ठीक है रामगोपाल, आप लोगों से बातचीत कीजिए, वापस लौटेंगे आपके पास में। नेहा जी, इससे पहले रवि किशन का एक स्टेटमेंट सामने आया, मुझे लगता है शायद आपने सुना होगा वो उनका बयान, जिसमें वो विपक्षी पार्टियों को भूत पिशाच तक बता रहे थे। देखिए रवि किशन मानसिक दिवालिया है,
उनको लहजा नहीं है कि किस तरह की भाषा हमें विपक्ष और पक्ष के प्रति इस्तेमाल करनी चाहिए। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, रावण भी अपने अंतिम समय पे यज्ञ किया था, मेघनाथ ने भी अपने अंतिम समय पे जब अंतिम समय आया था तो यज्ञ किया था, आज भी वही स्थिति है, तो क्या अंतिम समय ही मान लिया जाए प्रधानमंत्री जी का कि अंतिम समय पे जाकर के वहां बैठ गए हैं और जिस तरह से कैमरामैन ले गए हैं, वीडियो मैन ले गए, अपना फैशन डिजाइनर ले गए हैं, हेयर स्टाइलिस्ट ले गए हैं और हर एक एंगल से तस्वीरें आ रही हैं, हर एक एंगल से वीडियो आ रही हैं, जनता को भ्रमित करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है, जनता सब देख रही है, नौटंकीबाजों को, ड्रामा करने वालों को जनता अच्छे से देख रही है। लेकिन नेहा जी जब बीजेपी या फिर एनडीए की पार्टी एनडीए के दलों से बातचीत होती है तो वो काफी ज्यादा क्लियर नजर आते हैं, उनका कहना है कि अब की बार 400 पार, लेकिन वो जो क्लियरिटी है वो विपक्षी पार्टियों में नजर नहीं आती है। मैं लौटूंगी आप